स्वागत है। बिना जाला साफ किए मकड़ी पे दे मारते हैं, अर्थात बिना समय बर्बाद किए मुद्दे पर आते हैं। आज के प्रसारण में हम देखेंगे इस तरह की हरकत कैसे की जाती है। ये जो ए के सामने 1, 2, 3, 4, 5 और या तो फिर 5, 5, 5 हर जगह कैसे आता है। ऑफिस में इस तरह की सॉल्यूशन की बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, इसीलिए एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखिए और इमेजिन कीजिए। कुछ ऐसा वैसा इमेजिन नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप मशहूर फिल्म शोले के शाम्बा है और गब्बर सिंह आपसे पूछ रहा है कितने आदमी हैं इस बॉक्स में। तो आपका जवाब होता है सरदार 1। गब्बर सिंह तो अपनी हरकतों के कारण मशहूर हैं, तो वो क्या करता है, इस बॉक्स को फिर से बढ़ा देता है और पूछता है कितने आदमी हैं इस बॉक्स में। तब आपका जवाब होता है 2। सांभा का जवाब भी 2 ही होता है। फिर वो बॉक्स को गब्बर सिंह फिर से बढ़ा देता है। इसमें ये जो 3 दिख रहा है, ये आपका फुल बॉक्स आपका रेंज हो गया है, और ये जो हो गया है आपका क्राइटेरिया हो गया है, जो आदमी दिख रहा है वो क्राइटेरिया हो गया है। फिर से गब्बर कहता है कितने आदमी हैं इस बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर। तो आपका जवाब होता है 3, क्योंकि इसमें जो गब्बर सिंह पूछ रहा है आदमी, वो क्राइटेरिया है आदमी। फिर ये जब पूछता है कितने आदमी हैं, तो वो कहता है 4, हम कहते हैं 4। फिर से गब्बर सिंह तो हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है, तो अब कितने आदमी हैं, तो हम कहते हैं 5। ठीक है, फिर बढ़ा देता है गब्बर सिंह को, फिर हरकत से कहता है कितनी औरत है इस बॉक्स के अंदर, तो सबका जवाब होता है 1। तो हालांकि देखा जाए तो इसमें बॉक्स में 5 आदमी 1 औरत है, तो क्राइटेरिया इसमें सिर्फ 1 औरत को ही काउंट किया, तो 1 है। अब हम देखेंगे इसमें ये जो 5 आदमी हैं एक साथ काउंट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉक्स है इसको हमने यहीं पे लॉक कर दिया है। तो हर जगह जब हम गब्बर से पूछा जाता है कि कितने आदमी हैं, तो गब्बर को दिखते हैं 5, हर जगह से गब्बर को 5 आदमी दिखते हैं, ठीक है, तो 5 लिख देता है, 5, 5 हर जगह आंसर आएगा इसका 5। और जब पूछा जाएगा कितनी औरत हैं, तो उसका आंसर होगा 1। तो आपको गब्बर इमेजिन करके, सॉरी सांभा बन के थोड़ा मज़ा तो आया होगा। चलिए देखते हैं, अब एग्जांपल में आते हैं। अब मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें तो डिलीट कर देता हूँ, आपके इसमें ऐसे येलो कलर वगैरह नहीं आएगा, मैंने एक कोड लिखा है इसके लिए येलो कलर वगैरह आता है। तो मैं अब इसमें लिखता हूँ इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया अगर आपके पास में है, तो फिलहाल के लिए अभी काउंट इफ लेते हैं। काउंट इफ देखिए, काउंट इफ में क्या पूछता है, रेंज। मैंने बताया था वो जो रेड बॉक्स है वो रेंज है, तो हम रेंज के लिए ये बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलन लगा के वो बॉक्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि रेंज सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सेम सेल को हमने 2 बार कॉलन में सिलेक्ट कर लिया है। अब हम कॉमा लगाते हैं और फिर से उसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो सेल सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको B2 लिख ले रहे हैं, या तो आप उसको नीचे ले जाके फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह क्लिक करके वो वहाँ पे उसको ला सकते हैं। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद में हम उसको इंटर बटन दबाते हैं या नीचे कर देते हैं, टैब बटन दबाते हैं, फिर हम उस पर सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, हमारी आदत ही है ये फॉर्मूला, हम हर सेल में लिखते नहीं हैं, उसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, कभी लेफ्ट ड्रैग, कभी राइट ड्रैग, कभी अप ड्रैग, कभी डाउन ड्रैग, ठीक है। अरे यार ये तो सब में 1, 1, 1 आ गया, वहाँ तो कुछ 1, 2, 3, 4 आ रहा था। तो अब एक गौर करने वाली बात है, ये आपका देखिए ये ब्लू जो हाईलाइट हो रहा है ये आपका रेंज है, यहाँ पे भी सिर्फ हर जगह एक ही सेल आपको हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हमको तो बॉक्स को बड़ा करना था और एक जगह को लॉक करना था। तो हमने क्या करना है, इसके जो बी है, बी के सामने जो 2, 2 लिखा हुआ है, उसके सामने सिर्फ डॉलर लगा देना है। अब डॉलर लगाने से जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ये आ गया आपका वही आउटपुट जो आपको चाहिए था, 1, 2। अब
आप टू पे क्लिक करके देखिए, देखिए आपका बॉक्स बड़ा हो गया। तो इसमें सिर्फ यही ट्रिक है, आपको डॉलर लगाना है रो के सामने, ठीक है। आप नीचे वाले आप सेकेंड में भी लगा सकते हो, लेकिन रो के सामने लगाना है, ठीक है। अब काउंट इफ में हमको तो बॉक्स बड़ा ही चाहिए, काउंट इफ्स लेना है, सॉरी दोस्तों, काउंट इफ्स, ठीक है। अब मैं रेंज सिलेक्ट करूँगा ये वाला, अब मैं इसमें कॉमा दे दूँगा और फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूँगा, अब इंटर कर दूँगा और इसको कर दूँगा ड्रैग। ओह, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा आ गया। पर दोस्तों क्यों आ रहा है ये, देखिए नीचे चला गया है, ये तो नीचे नीचे जाते जा रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, गब्बर नाराज हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। अब इसको लॉक कैसे करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करके या तो F4 दबा सकते हैं तो ये लॉक हो जाएगा हर जगह से, या तो फिर हम इसको कॉलम को सिलेक्ट कर दें, F4 दबाने से लॉक हो जाते हैं। अब दो बार F4 दबाओगे तो वो या तो सेल लॉक करना है, रो लॉक करना है, देखिए। तो इन सब झंझट में ना पड़े बगैर हम क्या करते हैं, ये जो दोनों रो 2 और 6 है उसके सामने डॉलर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों देख रहे हैं सिंबल डॉलर लॉक के समान ही दिखता है। तो अब जब नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो ये फुल 555 आ गया है आपको। तो यहाँ पे आप बी भी लिख दीजिए और कॉलम को नीचे ड्रैग कर लीजिए, देखिए। तो ये यहाँ पे बी हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने रेंज लॉक किया है, तो यहाँ पे आपको रेंज को पूरा यहाँ पे यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे तक, यानी आपको 7 तक सिलेक्ट करना पड़ेगा और लॉक करना मत भूलिए।